में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तीसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पे बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी भी हो सकती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो यहां पर भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते बारिश का दौर अभी हाल फिलहाल जारी रह सकता है। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव शुरू हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 29 और 30 जनवरी को हल्के बादल भी छाए रहने के आसार है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में हवा के आगमन की दिशा में परिवर्तन होकर पूर्वी हो गया है, और इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ है वो है लगातार आ रहे हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उधर जम्मू कश्मीर वगैरह में जो नॉर्थ इंडिया है, एक्सट्रीम नॉर्थ है, उसमें है बारिश दर्ज की गई थी। अभी फिलहाल चूंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया है और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसके कारण से अभी लगातार प्रदेश में दक्षिण से हवा आने की संभावना है, जिसके कारण से अभी न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इस बीच मौसम शुष्क रहेगा, हो सकता है कि 29 या 30 जनवरी को प्रदेश में हल्के बादल रहें।